क्रिप्टो इंडस्ट्री की सबसे बड़ी अपडेट जो पूरे वर्ल्ड में है वो यही है कि चाइना में, हांगकांग में अभी लॉ मेकर्स एक्टिव हो चुके हैं। वो क्रिप्टो करेंसीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को, एक्सचेंजेस को अलाउ करना शुरू कर चुके हैं। इसी के साथ साथ आपको मैं ये एक लिस्ट देने वाला हूँ 10 कॉइन्स जो कि चाइना बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं जिनमें सबसे ज़्यादा हमें प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है, क्योंकि अभी हांगकांग एक्टिवली काम कर रहा है क्रिप्टो करेंसी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करने के लिए। अब आपको अगर नहीं पता तो सबसे पहले जब मार्केट में डंप आया था, जब BTC का प्राइस $69,000 के आसपास चल रहा था, तो उसको नीचे लाने का कारण या फिर नीचे किसने लाया, वो सिर्फ चाइना ही था, क्योंकि चाइना ने क्रिप्टो करेंसीज को बैन किया, माइनिंग को बैन किया, एक्सचेंजेस को बैन किया, माइनर्स को चाइना छोड़कर जाना पड़ा। यही कारण था कि क्रिप्टो करेंसी पूरी मार्केट नीचे गिरी। लेकिन अभी उसका बिल्कुल उल्टा होने वाला है, यानी कि अब क्रिप्टो मार्केट ऊपर बढ़ने वाली है। सबसे बड़ा रीज़न वही कि चाइना अब क्रिप्टो करेंसीज को सपोर्ट करने वाला है, और यही कारण है कि मैं आपके साथ लगभग 10 क्रिप्टो करेंसीज शेयर करूँगा जो आपको अच्छा प्रॉफिट देने वाली हैं, क्योंकि वो चाइना बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज हैं। जनरली जैसे कि हमें इंडिया में कोई भी पॉजिटिव अपडेट मिलती है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, तो हमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में मिलता है? पॉलीगॉन में मिलता है, पुश टोकन में मिलता है, वजीरेक्स के WRX में मिलता है। सिमिलरली वैसे ही हमें इन कुछ कॉइंट्स के ऊपर प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि यह कॉइंट्स चाइना से बिलोंग करते हैं। तो वीडियो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप भी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करके बैठे हैं और आप प्रॉफिट की वेट कर रहे हैं। और वैसे भी अगस्त महीना बहुत अच्छा हम सभी के लिए, क्योंकि कई सारी ऐसी पॉजिटिव अपडेट्स हैं, चाहे वो शिबा को लेकर है, चाहे वो रिपल को लेकर है, चाइना को लेकर है, BTC, इथेरियम, कई सारी ऐसी अपडेट्स हैं जो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में भी डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। और टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वॉल्फ ट्रेड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये कि जो चाइना का हांगकांग लेजिस्लेटर है, हांगकांग का लेजिस्लेटर जॉनी एनजी, तो उन्होंने इन्वाइट किया है ग्लोबल क्रिप्टो एंड बिटकॉइन एक्सचेंज कॉइन बेस को, ताकि वो ऑपरेट कर सके चाइना में। तो ये बहुत ही बड़ा इन्विटेशन है चाइना में, चाइना की टेरिटरी में इतनी बड़ी एक्सचेंज को काम करने का मौका मिलने वाला है। अब ऐसा हुआ क्यों है, थोड़ा सा टेक्निकल एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कॉइन बेस का भी SEC के साथ तो बन नहीं रही है। तो एक्चुअल में कॉइन बेस बहुत अच्छे ऑपरेशन रन करता है, अच्छी सर्विसेज देता है US के सिटीजन्स को, लेकिन अभी कॉइन बेस को मूव होना पड़ेगा। एक्चुअल में SEC ने लॉ सूट किया है कॉइन बेस के ऊपर, क्योंकि उन्होंने एक्सचेंज के ऊपर आरोप लगाया कि ये अनरजिस्टर्ड ब्रोकर है, एक्सचेंज है और क्लियरिंग एजेंसी है, यानी कि इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करी थी, जिस कारण इसके जो शेयर्स हैं वो भी नीचे गिर रहे हैं। तो ओवरऑल इनका कहना यह है कि एक्सचेंज ने कई सारे फेडरल सिक्योरिटी लॉज को वायोलेट किया है। लेकिन यही सेम झंझट किसके साथ चल रहा था, रिपल के साथ ही, यानी कि रिपल को भी ऐसा बोला जा रहा था कि वो भी एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी है जिसको ट्रेड किया जा रहा है, सिक्योरिटीज की ट्रांजेक्शन करी जा रही है। लेकिन पिछले कुछ समय के अंदर आपको पता ही होगा कि रिपल ने केस लगभग विन कर लिया, यानी कि जो कोर्ट है, कोर्ट ने जो साथ दिया वो सिर्फ रिपल का ही दिया है। ये बोला है कि रिपल ने कोई भी गलत काम नहीं किया है, क्योंकि ऐसी कोई कैटेगरी नहीं बनी है जिससे ये बोला जाए कि रिपल एक सिक्योरिटी था। सिमिलरली जो कॉइन बेस के ऊपर ट्रांजैक्शंस करी जा रही है क्रिप्टो करेंसीज की, तो यहाँ पे SEC का कहना ये कि सारी की सारी ये क्रिप्टो करेंसीज एक तरीके से सिक्योरिटीज़ हैं, और आपने इन सिक्योरिटीज़ को रजिस्टर नहीं करवाया, आपने अपने एक्सचेंज को एज ए ब्रोकर या फिर क्लियरिंग एजेंसी भी रजिस्टर नहीं करवाया। लेकिन अभी SEC के पास October 3 तक एक समय बचा है जिसके अंदर उन्होंने रिस्पॉन्स देना है कॉइन बेस को। यही सबसे बड़ा कारण है कि कॉइन बेस US में नहीं काम कर पा रहा है और चाइना कॉइन बेस को इनवाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखिए कि कॉइन बेस ने जज को बोला है कि हम उनके विरुद्ध जितने भी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन के लॉ सूट लगाए गए हैं उन सभी को डिसमिस कर देना चाहिए ताकि एक्सचेंज खुल के काम कर पाए। और इसका मेन रीज़न ये भी है कि पिछले कुछ दिनों के अंदर 20% से भी ज़्यादा कॉइन, यानी कि कॉइन बेस के जो शेयर हैं उसके प्राइस में गिरावट आई है, और बहुत बड़ी गिरावट आई है, लगातार गिरावट आती जा रही है। क्योंकि जब भी लॉस हिट होता है किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर तो हमेशा ऐसा होता ही होता है। अब यही कारण है कि क्यों हांगकांग में कुछ नए रिटेल क्रिप्टो ट्रेडिंग प्रोजेक्ट्स जैसे कि हैश की, OSL, इनको जगह दी जा रही है। ऑलरेडी मैं यहाँ पे कॉइन बेस की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑलरेडी यहाँ पे 2 प्रोजेक्ट्स जो बड़े हैं लोकल डिजिटल एसेट फॉर्म में हैश की के नाम से, तो उन्होंने सक्सेसफुली लाइसेंस ले लिया है। और यही अपडेट August 3 को इन्होंने दी थी कि इनके पास लाइसेंस फाइनली आ चुका है, जो कि हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन के द्वारा दिया गया है। अब वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग करी जा पाएगी हैश की के द्वारा हांगकांग की सिक्योरिटीज लॉ के अंडर, यानी कि अब क्रिप्टो करेंसीज को ट्रेड करना इलीगल नहीं रहेगा। चाइना प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर रहा है क्योंकि इन्होंने खुद ही लाइसेंस भी दिया है। तो अब ये जो हैश की है ये ब्रोकरेज की सर्विसेज भी देगा, ओवर द काउंटर ट्रेडिंग सर्विसेज भी देने वाला है, और सबसे बड़ा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म बनने वाला है आने वाले समय का। अब इसी के दौरान यहाँ पे कॉम्पिटिशन भी मिलेगा जैसे ही कॉइन बेस को लाइसेंस मिल जाएगा चाइना में। अब यहाँ पे आपको मैंने लाइसेंस बताया, तो यहाँ पे एक्चुअल में 2 लाइसेंस मिले। पहला लाइसेंस तो वही है वर्चुअल एसेट की ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म रन करना,
जिसको टाइप 1 लाइसेंस माना जाता है। दूसरा जो लाइसेंस है वो है टाइप 7 लाइसेंस, जिससे क्या कि ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सर्विसेज दी जाती है इंस्टीट्यूशंस को और इसी के साथ साथ रिटेल यूजर्स को भी। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट अपडेट ये है कि जो हैश की है उसको तो लाइसेंस मिला ही मिला है, एक और OSL के नाम से लोकल क्रिप्टो फर्म है जो कि चाइना की है, उसको भी हांगकांग के सिक्योरिटीज एंड फ्यूचर कमीशन के द्वारा लाइसेंस दिया गया ताकि वो अलाउ कर सके बिटकॉइन इथेरियम की ऑफरिंग और वहाँ पे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं ट्रेडर्स हैं उनको भी मौका मिल पाए ताकि वो ट्रेड कर पाएँ चाइना में ही। अब सीधा सीधा ये क्लियर हो चुका है कि चाइना में क्रिप्टो करेंसी के लाइसेंस तो मिल ही रहे हैं और क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस भी रन होने वाली हैं। इसके पीछे रीजन क्या है, चाइना अब खुद क्यों चाहता है कि हांगकांग में ऐसे लाइसेंस दिए जाएं, क्योंकि इनको भी फंडिंग चाहिए। बहुत लंबे समय से चाइना जो है वो एक तरीके से बहुत बुरे समय से गुजर रहा है, इकॉनमी इनकी अच्छी नहीं रन हो पा रही है, वहाँ पे बिल्डिंग्स बनी हुई लेकिन कोई भी रेंट पे करने के लिए रेडी नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म फ्लैट्स उनको बाय करने के लिए रेडी नहीं है, तो इनको फंडिंग चाहिए ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिस कारण ये अभी $20 मिलियन के आसपास फर्म्स के द्वारा इकट्ठा कर रहे हैं, जिससे सिर्फ बड़ी बड़ी कंपनीज ही चाइना में एग्जिस्ट कर पाएंगी, सिर्फ बड़ी कंपनीज आएंगी क्योंकि वही इतना पे कर पाएंगी। अगर हम छोटी कंपनीज की बात करें तो वो इतना महंगा लाइसेंस ही नहीं ले पाएंगी। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि एटलीस्ट ये जो कंपनीज आएंगी या जितनी भी क्रिप्टो एक्सचेंज फर्म्स आएंगी ये धीरे धीरे जैसे ही ऑपरेशंस रन करेंगे तो चाइना में एक पैसा जनरेट होना भी शुरू हो जाएगा, जो कि चाइना बहुत लंबे समय से मिस कर रहा था, और इसका ओवरऑल इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी क्रिप्टो इंडस्ट्री को, यानी कि जो क्रिप्टो की वॉल्यूम है वो बढ़ने वाली है। अब आज से एक दो दिन पहले आपको ये भी बताया था कि दुबई में भी वहाँ पे भी लाइसेंस दिया जा रहा है, बाइनेंस को सबसे पहला लाइसेंस मिला है, तो दुबई में भी बहुत ज़्यादा ट्रेडिंग होगी। अब दुबई में और चाइना इन हांगकांग इन दोनों जगहों पे जैसे ही यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम ज़्यादा से ज़्यादा आएगा तो ओवरऑल मार्केट कैप जो है वो $3 ट्रिलियन तक पहुँच सकता है पूरी क्रिप्टो करेंसी मार्केट का। इसी के साथ जो हैश की कंपनी है वो रेज करने वाले $100 मिलियन अपनी नई डिजिटल एसेट फंड्स के लिए, और ये सारा का सारा पैसा कहाँ से आएगा, ये पूरा का पूरा चाइना से ही आने वाला है, और ये इन्होंने टारगेट रखा है कि ये 1 सितंबर तक करने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो हैश की के नाम से कंपनी है इनको $100 मिलियन $200 मिलियन इस तरीके से रेजिंग करनी है ताकि ये अपनी वैल्यूएशन $1 बिलियन तक ले जा पाएँ। अब यहाँ तक तो हमने बात करी हैश की बात करी OSL की बात करी, लेकिन इसी के साथ साथ पूरे चांसेस यही हैं कि कॉइन बेस्ड जो एक्सचेंज है वो भी चाइना में ही आने वाला है और वहाँ पर ऑपरेट करने वाला है। तो जितनी भी क्रिप्टो रिलेटेड एक्टिविटीज़ वो फिर से रन होने वाली हैं चाइना में, अब बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स एक्टिव होने वाले हैं। यही कारण है कि मैंने आपको 8 से 10 लेकर कॉइन्स बताने हैं जिनमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा, तो जल्दी से बता दूंगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर। तो आप नियो कॉइन बाय कर सकते हैं जो कि $8.5 के आसपास चल रहे हैं, NEO आप सर्च करना, तो ये कॉइन आप बाय कर सकते हैं क्योंकि चाइना बेस्ड क्रिप्टो करेंसीज है। इसी के साथ कॉन्फ्लेक्स जो कि CFX के नाम से ये 17 सेंट के आसपास चल रहा है, ये भी बहुत सस्ता कॉइन है, यानी कि अगर आप यहाँ पे बाय करते हो तो कुछ ही डॉलर्स में काफ़ी सारे कॉइन्स आ जाएंगे। नेक्स्ट कॉइन है जो कि मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, जो है HT के नाम से हॉबी टोकन, $2.65 के आसपास चल रहा है, यानी कि $2.5 के आसपास चल रहा है। यहाँ पे भी आप बाय करते हो तो आने वाले समय में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इसका एक और रीज़न ये है कि हॉबी जो एक्सचेंज है हॉबी ग्लोबल वो चाइना बेस्ड क्रिप्टो करेंसी थी, हांगकांग क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज थी, अब वापस से ये अगर चाइना में आते हैं तो वहाँ पे और भी ज़्यादा ऑपरेशंस अच्छे होंगे, तो HT कॉइन में हमें बहुत अच्छी वैल्यू मिलने वाली है। ये अगला है फाइल कॉइन, तो फाइल कॉइन वन ऑफ द मोस्ट एडवांस्ड Web3 बेस्ड प्रोजेक्ट्स में से एक है, जिसकी वैल्यू $4 के आसपास चल रही है, तो इसको आप अगर बाय कर लेते हो या फिर ऑलरेडी अगर आपने बाय किया हुआ है क्योंकि पिछले भी कुछ वीडियोस मैंने आपको ये बताया था, तो इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। पांचवा कॉइन है की के नाम से, इसकी वैल्यू 1 सेंट भी नहीं है, आधे सेंट के आसपास है, $0.005 के आसपास है, सेल्फ की के नाम से प्रोजेक्ट है, की के नाम से कॉइन है, इसको बाय कीजिए, कुछ ही डॉलर्स में काफ़ी सारे कॉइन्स आ जाएंगे, बाय करके रखें क्योंकि इसमें आपको अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। अगला है फ्लेमिंगो, FLM के नाम से कॉइन है, वैल्यू इसकी कोई 6 सेंट के आसपास है, इस कॉइन की वैल्यू भी बहुत कम है, इसको आप बाय करें और होल्ड करके रखें क्योंकि चाइना के सारे कॉइन्स एकदम से बढ़ने वाले हैं। अगला है एल्केमी पे, ACH के नाम से कॉइन, $0.017 के आसपास वैल्यू चल रही है, बहुत कम वैल्यू है, तो लगभग जितने भी कॉइन्स आपको बता रहा हूँ कम वैल्यू वाली हैं, तो इसको भी आप बाय कर सकते हैं। 8th कॉइन है हमारा QTUM, क्वांटम भी बोल सकते हैं, क्यूटम भी बोल सकते हैं, ये $2.5 के आसपास है, तो यहाँ पे भी आप अच्छी बाइंग कर सकते हैं। अगर आपको ये कॉइन्स नहीं मिल रहे तो आप एक बार कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाएं और आपको पता चल जाएगा कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर हैं। वैसे जनरली जितने भी कॉइन्स मैं आपको बता रहा हूँ वो बाइनेंस जैसी बड़ी एक्सचेंजेस के ऊपर ऑलरेडी अवेलेबल हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट कॉइन है, ये 2 लास्ट कॉइन हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, VChain VET, ये भी चाइना बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसकी वैल्यू अभी एकदम से नीचे गिरी है, तो अभी मौका मिल रहा है यहाँ पे अच्छे कॉस्ट पे बाय करने का, $0.017 के आसपास मिल रहा है, यहाँ पे भी आप अच्छी क्वांटिटी बाय कर सकते हो। लास्ट हमारा कॉइन जो है 10th कॉइन जो है ट्रॉन TRX, $0.07 के आसपास चल रहे हैं, बहुत कम वैल्यू है,
यानी कि अभी अफोर्डेबल कॉइन है, बाय कीजिए, होल्ड करके रखें। जैसे ही चाइना में ऑपरेशंस चालू होंगे तो ट्रॉन, हॉबी टोकन या फिर वी चेन, जैसे आपको ये मैं कॉइन्स बता रहा हूँ, ये सारे के सारे कॉइन्स बहुत अच्छा प्रॉफिट देने वाले हैं, क्योंकि ट्रॉन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोजेक्ट है। अब मैंने पहले आपको हॉबी टोकन का बताया, हॉबी के साथ साथ ट्रॉन का लिंक है, जब भी HT बढ़ता है तभी ट्रॉन बढ़ता है, ट्रॉन बढ़ने के साथ साथ BTT की वैल्यू भी बढ़ती है। यही कारण है कि मैंने आपको ये टोटल 10 कॉइन्स बताए हैं, एंड क्यों बढ़ने वाले हैं वो सारा का सारा आपको रीज़न भी बताएं। तो आज का हमारा ये वीडियो इतना ही, लेकिन अगर आपको किसी और कॉइन के बारे में डिटेल्ड जानकारी चाहिए नीचे कमेंट करो, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और इसी के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुँचते रहें। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।